सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं स्नोमैन लॉजिस्टिक के शेयर के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, आज तारीख है 20 अप्रैल 2021 और यहाँ पर हम वीकली चार्ट पर एनालिसिस कर रहे हैं, यानी कि प्रत्येक कैंडल यहाँ पर एक वीक का डेटा शो कर रही है। और यहाँ पर हम जो भी एनालिसिस करेंगे वो लंबी अवधि यानी 6 महीने, 1 साल या उससे ज़्यादा के लिए होने वाला है, इसका आपको खास ध्यान रखना है। अब अगर हम स्नोमैन लॉजिस्टिक के वीकली चार्ट को देखेंगे तो कुछ सालों पहले यानी 2016-17 के आसपास ये जो शेयर है करीब 90-100 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आता था, लेकिन स्लोली स्लोली शेयर में गिरावट होती रही और लॉकडाउन के पहले जो शेयर है करीब 50 रुपए के आसपास ट्रेड करता था। और लॉकडाउन के समय जैसे कि हर शेयर में गिरावट हुई थी, इसमें भी देखने को मिली और इसने जो लो बनाया करीब 30 रुपए के आसपास का लो बनाया। हालांकि इसने रिकवरी भी काफी जल्दी करी और इसने लॉकडाउन की गिरावट के बाद जो हाई बनाया वो करीब 70 रुपए के आसपास का हाई बनाया और करेंटली इसका जो प्राइस चल रहा है वो 50 रुपए 55 पैसे के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। और आज के दिन इसमें 10% की तेजी भी देखने को मिल रही है, तो इसलिए ये शेयर नजर में भी आया। तो यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे, यहां पर आप देखें कि जब इसने ये जो रेजिस्टेंस है इसका जो कि 43-44 रुपए के आसपास था, इसको जैसे ही इसने ब्रेक किया आप देख सकते हैं यहां पर बुलिश कटाना कैंडल बनी थी और जैसे ही इसने ब्रेक किया आप देख सकते हैं इसमें भयानक तेजी देखने को मिली और ये जो शेयर है करीब 35 रुपए के आसपास जो ट्रेड कर रहा था इसमें जो जल्दी से जल्दी देख सकते हैं आप 70 रुपए के आसपास के लेवल इसने टच कर लिए। लेकिन 70 रुपए के लेवल टच करने के बाद ये वापस से नीचे आने लगा, आप यहां पर देखेंगे, और ये जो शेयर अभी ट्रेड कर रहा है 50 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये नीचे क्यों आया। देखिए, इसमें तेजी तो देखने को मिली लेकिन इसके बाद इसमें रेजिस्टेंस था 70 रुपए के आसपास का, देख सकते हैं एग्जैक्ट 70 रुपए के आसपास का रेजिस्टेंस था और वहीं तक ये गया। रेजिस्टेंस से टकरा कर वापस से ये नीचे आया। देखिए, ये रेजिस्टेंस को काफ़ी अच्छे से फॉलो कर रहा है क्योंकि एग्जैक्ट ये उतने ही प्राइस तक गया जितने तक यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था, उसके बाद ये वापस नीचे आ गया। और अब देखिए उस प्राइस पर ये चल रहा है जहाँ पर इसका सपोर्ट जोन होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर सपोर्ट जोन होना चाहिए करीब 44 रुपए के आसपास और ये वहीं तक गया था, वहां से टकरा कर ये अपनी सभ्यता के अनुसार ये ऊपर आ गया और आप देख सकते हैं 50 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है और करीब 10% की तेजी आज के दिन देखने को मिल रही है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें देखिए ट्रेंड रिवर्सल के संकेत आपको साफ साफ देखने को मिल रहे हैं और निश्चित रूप से इसमें खरीदारी का एक बेहतरीन मौका आपके लिए हो सकता है। अगर आप यहां पर खरीदारी करते हैं और इसमें फिर से ट्रेंड रिवर्सल होता है तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो लेवल आपके पास होंगे वो होंगे 70 रुपए के लेवल, इस जो अभी करंट में रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं, और जैसे ही ये ब्रेक होता है आपको इमीडिएट तौर पर यहां पर 90 रुपए के आसपास लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये इतने जल्दी नहीं होगा, हो सकता है ये 2 महीने में हो जाए, लेकिन आपको मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन जो इसके लिए देना होगा 6 महीने से लेकर 1 साल के भीतर ये काम होगा। तो इसीलिए अगर आप इसमें खरीदारी करना चाहते हैं तो अपना व्यू 6 महीने से कम का ना रखें, क्योंकि यहाँ पर वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट हम तभी देखते हैं जब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू 6 महीने, 1 साल या फिर 3 महीने से एटलीस्ट ज़्यादा का ही होना चाहिए, तभी वीकली चार्ट देखा जाता है। और यहाँ पर आप देखें साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है करंट प्राइस पर एक सपोर्ट के आसपास से शेयर टकराकर वापस लौटा है और निश्चित रूप से इसमें ट्रेंड रिवर्सल के संकेत आपको साफ साफ देखने को मिल रहे हैं, जो कि आपका नेक्स्ट टारगेट बताते हैं 70 रुपए का, और अगर उसके बाद अगर आप इसको ज्यादा दिनों तक होल्ड करते हैं तो 90 रुपए के आसपास के लेवल आपको इस शेयर में देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं छोटे टारगेट की बात करूं तो यहां पर आपको इमीडिएट तौर पर जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं वो है करीब यहां पर 64 रुपए 65 रुपए के लेवल आपको देखने को मिलेंगे, 63-64 का जो लेवल है। तो यहां पर मैं आपको लेवल बता दूं, पहला टारगेट आप 63 का लेके चल सकते हैं, दूसरा टारगेट 70 का लेके चल सकते हैं, और तीसरा टारगेट आप 90 रुपए का लेकर चल सकते हैं और आप इसमें खरीदारी लंबे समय के लिए कर सकते हैं। अगर आप इसमें पोजिशनल व्यू यानी कि 3 महीने से कम के लिए बनाना चाहें तो मैं आपको स्टॉप लॉस भी बता देता हूं, आपको स्टॉप लॉस यहां पर रखना चाहिए 40 रुपए के आसपास के, यहां पर आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं 40 रुपए या 40 रुपए के आसपास का आप यहां पर स्टॉप लॉस रख
रख सकते हैं और आप इसको लंबी अवधि के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। देखिए शॉर्ट टर्म के लिए इसमें तेजी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको इसमें शॉर्ट टर्म के लिए इसमें खरीदारी करनी चाहिए। देखिए एक और चीज है जो इसमें खास अट्रैक्टिव इस शेयर को बनाती है, वो ये है कि आप इसमें देखें नीचे की तरफ आपको वॉल्यूम्स का ग्राफ दिखेगा। वॉल्यूम्स इसमें इतने तगड़े देखने को मिल रहे हैं कि ये शेयर वॉल्यूम देखकर ही ऐसा लगता है कि भाई शेयर में हम खरीदारी जल्दी से कर लें। आप यहां पर देखेंगे थोड़ी वॉल्यूम यहां है, थोड़ी वॉल्यूम यहां है, यहां आप देखें दर्जनों की संख्या में वॉल्यूम है, मतलब इतनी बड़ी तादाद में वॉल्यूम है कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव ये शेयर लग रहा है और इतना ज्यादा अट्रैक्टिव है कि इस शेयर को आपको जरूर खरीदना चाहिए। देखिए इतना महंगा शेयर नहीं है, 50 रुपए का शेयर है, अगर आप इसमें 5,000 रुपए भी खर्च करेंगे तो 100 शेयर आपको मिल जाएंगे। तो देखिए ये शेयर बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा है और मुझे लगता है कि लंबी अवधि 1 साल तक अगर आप इसको होल्ड करेंगे तो आपको 90 से 100 रुपए तक के लेवल आपको इस शेयर में देखने को मिल सकते हैं, ऐसी मेरी राय है। अगर आप चाहें तो इसमें खरीदारी कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको पिछले 3-4 दिन पहले आपको एक शेयर बताया था विविम्ड लैब, VIVIMED विविम्ड LAB लैब, तो एक ये शेयर है जो मैंने आपको बताया था, वो शेयर उस समय पर 19 रुपए का चल रहा था और उसी दिन उसमें 10-15% का अपर सर्किट भी लगा था, यानी कि जिस दिन मैंने ये शेयर बताया था उसी दिन 15% की तेजी हुई थी, करीब 17% से ये शेयर 17 रुपए से ये शेयर 19 रुपए तक पहुंच गया था और मैंने इसको सजेस्ट किया, मैंने इसको एनालिसिस किया और मैंने इसके जो टारगेट बताए वो 27 रुपए और 42 रुपए और शायद 70 रुपए के आसपास है। आप वो वीडियो जरूर देखें, मैंने आपको बताया था वो वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, आपको उसका लिंक अगर आप मेरी चैनल पर जाएंगे तो आपको निश्चित रूप से वो प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो इतने टारगेट बताए थे, अब 28 रुपए के टारगेट आपको दूसरे ही तीसरे दिन देखने को मिल रहे हैं, यानी कि आज उस शेयर में 20% का अपर सर्किट लगा है और जब से मैंने बताया कम से कम 40-45% की तेजी उस शेयर में देखने को मिल चुकी है। तो देखिए अच्छे शेयर होते हैं निश्चित रूप से, उसमें आपको फायदा जरूर मिलता है और इस शेयर में भी मुझे ऐसा लगता है कि आप वॉल्यूम्स को देखकर मुझे बहुत ज्यादा इसमें जो है लालच आ रहा है कि मैं शेयर को खरीदूं और निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है कि ये बहुत अच्छा लेवल है आपको इसमें खरीदारी करने का। तो आई थिंक अब देखिए आप खरीदते हैं नहीं खरीदते हैं ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लें, लेकिन मेरा मानना है कि आपको खरीदारी जरूर करनी चाहिए। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।